हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट कुरुटोवस्की थ्योरम सेज दैट ए ग्राफ जी इज नॉन प्लेनर इफ एंड ओनली इफ जी हैज ए सब ग्राफ विच इज होमियोग्राफिक टू के फाइव और के थ्री थ्री। तो हमें पता है कि के फाइव और के थ्री थ्री ये दो ऐसे ग्राफ है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड मिनिमम नंबर ऑफ एजेस क्या है, नॉन प्लेनर है। इसके बाद में कोई भी वर्टाइसेस अगर ऐड करते हैं हम के फाइव के जगह के सिक्स लिखते हैं तो वो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। जैसे कि के फोर कॉमा फोर, वो भी क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। ओके, सो वी कैन से दैट के फाइव इज द कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टाइसेस विच इज ए नॉन प्लेनर, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट इज फाइव। सिमिलरली के थ्री थ्री इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, आफ्टर दैट if you will add any edge to any vertex that is a non planar graph only। okay, so to uske pehle hum dekhte hain ki homeographic kya hota hai, matlab humne bol diya ki agar koi bhi graph agar homeographic hoga k5 aur k33 ke liye to hum use kya kahenge, non planar kahenge। homeographic means two graphs g1 and g2 are said to be homeographic to each other if each of these graph can be obtained from a graph G by dividing some edges of G with more vertices। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल ग्राफ है उसमें से कोई भी अगर एक एज लेते हैं और उसको कितने कैसे डिवाइड करते हैं, विथ मोर वर्टाइसेस, मतलब उस पर्टिकुलर एज के बीच में एक और वर्टेक्स या मोर देन वन वर्टेक्स अगर ऐड कर देते हैं दैट इज बिकम ए होमियोग्राफिक ग्राफ। सपोज दिस इज द होमियोग्राफिक ग्राफ जी इज गिवन, सॉरी दिस इज द ग्राफ जी इज गिवन, दैट इज द ओरिजिनल ग्राफ विच कंटेन्स द फोर वर्टाइसेस दैट इज ए बी सी डी एंड विच इज हैविंग द फाइव एजेस। नाउ आई हैव क्रिएटेड द जी वन ग्राफ विच कंटेन्स द फाइव वर्टाइसेस। तो इसमें जो सी टू डी जो एज थी, इस ओरिजिनल ग्राफ में सी टू डी एज जो थी उसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया बाय एडिंग द वन वर्टेक्स। उसके बीच में मैंने क्या वर्टेक्स ऐड किया, ई वर्टेक्स ऐड किया, मतलब ई टू डी एक एज हो गई और ई टू सी एक एज हो गई, मतलब इसी एज को डिवाइड किया। सिमिलरली जी टू एक ग्राफ है, वो भी मैंने कैसे ऑब्टेन किया, बाय यूजिंग ओरिजिनल ग्राफ जी। तो यहाँ पे जो ए टू सी एज थी तो ए टू सी के एज में मैंने दो वर्टाइसेस ऐड कर दिए, आई कैन ऐड, ओके, बाय यूज बाय विद द डेफिनेशन ऑफ होमियोग्राफिक। सो आई हैव एडेड टू वर्टाइसेस, सो दैट इज बिकम दिस जी टू ग्राफ। सो आई कैन से दैट जी वन जी इज द ओरिजिनल ग्राफ एंड जी वन एंड जी टू बोथ आर ऑब्टेंड बाय एडिंग सम वर्टाइसेस टू द ओरिजिनल ग्राफ, देन दैट ग्राफ बिकम्स आर homeographic, means we can say that G1 and G2 are homeographic graph to G, okay? उसी तरह अगर K5 एक vertex, K5 एक क्या है, graph है जो कि क्या है, non-planar है। graph कैसा है, non-planar, अगर उसमें इसका उसमें अगर एक हदा और एक vertex होगा, suppose E to D edge है और उसमें और एक vertex आ गया है F, then definitely this is a non-planar because जो हमारा minimum requirement था K5 वो क्या है, complete graph five with five vertices which is already non-planar। तो अगर इसमें एक vertex add कर देते हैं तो that is definitely a non-planar graph। similarly in this also if I will add one more vertex and I will add the all the edges then that will become a non-planar and after adding this vertex and this edge we can say that after adding this vertex which is homeographic to K5, now after adding this vertex it is not a K5 but we can say that it is homeographic to K5। similarly after adding this edge this is not a K33 but we can say that this is a homeographic to K33, okay? Again, one thing is there. This is the complete graph with five vertices.
okay, this is the complete graph with 5 vertices, and this is the minimum number of vertices, k5, 5 vertices are there which are complete and which is a non-planar. अगर k4 लेंगे हम तो विच इज ए प्लेनर ग्राफ. लेकिन अगर इससे में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, सपोज यहाँ पे एक एज वैसी है जो k5 में है, ओनली वन एज दिस देयर, बट इफ आई विल रिमूव एनी वन एज फ्रॉम दिस ग्राफ देन आई कैन से दैट दिस इज ए प्लेनर ग्राफ. ओके, आई कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, आई कैन ड्रॉ दिस ग्राफ without crossing edges. Okay, so when we are going to solve the examples, we will draw the same graph without crossing the edge. So we can say that if this edge is not there, d to c, this is a planar graph. Similarly, in this case also, if one of the vertex is not present, then also we can say that this is a planar graph, means we can draw without crossover. Okay, so this is about the Kurutwaski's theorem. Some important points which we have noted by studying this planar graph. The first point says that any graph with 4 or fewer vertices is planar. Okay, K4 kya hai? It is the complete graph with 4 vertices. Matlab kya ho sakta hai isme? This is the complete graph with 4 vertices. Matlab हम कह सकते हैं कि ए ग्राफ विथ 4 और फ्यूअर वर्टाइसेस इज ए प्लेनर. अगेन एनी ग्राफ विथ 8 और फ्यूअर एजेस इज ए प्लेनर. कोई भी ग्राफ जो जिसमें क्या है 8 से कम एजेस है वो क्या है? प्लेनर ग्राफ है. क्योंकि हमने देखा है K33 जिसमें कितने एजेस है? 3 × 3 दैट इज 9 विच इज नॉट प्लेनर. तो मतलब कम से कम 8 वर्टाइसेस अगर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 8 वर्टाइसेस होंगे तो सारे ग्राफ क्या हो सकते हैं? प्लेनर हो सकते हैं. अगर 8 एजेस होंगे तो प्लेनर होगा, और 9 एजेस अगर होते हैं तो दैट ग्राफ इज ए नॉट प्लेनर. क्योंकि हमने देखा है कि K33 उसमें ये ग्राफ प्लेनर नहीं है. सिमिलरली ए नॉन प्लेनर ग्राफ विथ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस इस के फाइव. अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेंशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्लेनर ग्राफ विथ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, उसमें गिवन रहेगा K5, K6, K7 और K4. सो यू हैव टू चूज द K5 आंसर. ओके, सिमिलरली ए नॉन प्लेनर ग्राफ विथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इज K33, जिसमें कि 9 एजेस होंगे, और K5 अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें 10 एजेस होंगे. ठीक है, so this is the graph which is non-planar with minimum number of edges, that is K33. Okay, similarly next point says that a complete graph Kn is planar if and only if n is less than or equal to 4. Agar complete graph ko hame planar bolna hai to uspe definitely n jo hai wo chota hona chahiye aur equal to hona chahiye 4 ke. Agar 5 bhi hota hai to we know that K5 is the minimum number of vertices complete graph है जो कि non planar graph है. okay, तो अगर जो complete graphs है वो कितने vertices के लिए planar है? with only 4 vertices के लिए planar है और उससे कम वाले. okay, similarly a complete bipartite graph m comma n is a planar if and only if क्या होना चाहिए? either m is less than or equal to 2 होना चाहिए और n is less than or equal to 2 होना चाहिए. मतलब दोनों में से एक होना चाहिए. सपोज मान लो कि m की वैल्यू जो है कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में अगर 100 है, ओके, और n की वैल्यू अगर 1 है, तो आई कैन से दैट दिस इज ए कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ विच इज ए प्लेनर, बिकॉज एक जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए. सिमिलरली 2 के केस में भी ऐसे होगा. ओके, सो वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ विदाउट क्रॉस ओवरिंग द एजेस. ओके, मतलब इन दोनों में से एक होना चाहिए. उसी तरह अगर ऐसा होता है m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1000 इज देयर, देन आल्सो आई कैन से दैट दिस इज ए प्लेनर ग्राफ. ओके, विच इज ए कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ. ओके, अंडरस्टूड. एंड फाइनली
One last point is there. We are going to study about this because already we have not covered this isomorphic term. So we are going to cover this isomorphic term in coming lectures after solving this some example based on whatever the properties we have seen so far. Okay. So the point says that if two graphs are isomorphic, then they are homeographic. Isomorphic की क्या condition होती है वो हम आने वाले lecture में देखेंगे. Okay? तो I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो please comment करके बताना कि कैसे videos बन रहे हैं. और कुछ अगर आपको extra चीज चाहिए कि जो मैं cover नहीं कर रहा हूँ, please मुझे comment section में बता देना, ताकि मैं वो comment आपके तरफ पहुंचा सकूं. Okay? I hope you have understood about this. Okay? So next, in next class, we are going to solve some examples based on whatever the properties we have seen so far. Okay? So till then, thank you so much and see you in next lecture. Thank you.